वेलकम टू एस पी एस सी डिपार्टमेंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी एस सी डिपार्टमेंट में। मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर पर। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर पर आज की फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित हमारी ये आठवीं क्लास है, जहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे एम सी क्यू टाइप प्रश्न, यानी कि बी एस सी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम सॉल्व कर रहे थे एम सी क्यू टाइप प्रश्न अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यानी नए सिलेबस 2021 और 2022 के लिए जो सिलेबस लागू हुआ है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम क्या सॉल्व कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व कर रहे थे बी एस सी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे चौथे चैप्टर पर, आपके चौथे चैप्टर का जो नाम है वो है रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अबाउट हम आज एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करेंगे। और देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड फोर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टेड टू फोर कॉर्नर। आपको बताना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में चार बैलेंस कार्बन हैं वो चारों कोनों पर लोकेटेड हैं, तो उनको आपको बताना है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो चारों कार्बन हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे, यानी उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको ये बताना है। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। CCl4 का जो शेप है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसे आप याद रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CCl4 होता है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो शेप है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इन वन ऑफ द स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि पूछा गया बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम की संकरण संख्या बतानी है आपको। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, और इनमें आपको कार्बन की संकरण संख्या बतानी है कि प्रत्येक कार्बन में संकरण संख्या क्या होगी, क्वेश्चन नंबर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp2 क्या होगा, sp2 संकरण पाया जाएगा यानी बेंजीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तीन नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। तीन नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए इनमें पूछा गया है कि संकरण पूछा गया है और कौन सा संकरण पूछा गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कक्षीय संकरण, क्या पूछा गया है, इनमें से कक्षीय संकरण पूछा गया है। और ये दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इनमें बताना है कि कक्षीय संकरण कौन कौन से हैं। तो कक्षीय संकरण क्या है थोड़ा सा ही जान लेते हैं, कक्षीय संकरण क्या हैं, तो कक्षीय संकरण वो होते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु जो है वो मिल करके एक समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक कक्षक बना देते हैं, यानी दो या दो से अधिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो संकरण कक्षीय संकरण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कक्षीय संकरण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कक्षीय संकरण क्या है, जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक कक्षक बनाते हैं तो उनको कक्षीय संकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कक्षीय संकरण कहा जाता है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो थोड़ा सा संकरण के बारे में भी जान लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि आखिर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, संकरण क्या है, देखो संकरण जो है उसको सर्वप्रथम पाउली ने दिया था, और क्यों दिया था और किस लिए उन्होंने दिया था, इसमें होता क्या है,
इसमें उन्होंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड की व्याख्या की थी। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंधों की प्रकृति को बताया था कि किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी और कौन से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। जैसे कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप, तो उसमें क्या होगा, बेरिलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे 1s2 और 2s2, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, क्योंकि 2s में s में जो है वो दो ही कक्षक होते हैं, दो ही परमाणु होते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर बोरान की बात किया जाए तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2 होगा। इसमें क्या है, अभी 6 यानी 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इसलिए ये क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता लगाने के लिए हस्तांतरण का पाउली ने निर्माण किया था, किसके लिए, सहसंयोजक की व्याख्या के लिए, सहसंयोजक बंध की व्याख्या के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक जो हैं कौन है, पाउली हैं। क्या है, पाउलिंग, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए होंगे संकरण के बारे में। चलिए दूसरा प्रश्न ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, चौथा नंबर प्रश्न है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड फॉर्मेट बाई ओवरलैपिंग ऑफ sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कहा गया है कि इनमें से किस कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, यानी कक्षीय ऑर्बिटल से, आप लोग को बताना है। आप क्वेश्चन यानी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढ के बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH में क्या होगा, ये sp और sp3 बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बनेंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांच नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पांच नंबर प्रश्न पूछा गया है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, पूछा गया है कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन 1 एंड कार्बन एटम इन 2 कंपाउंड। देखिए कंपाउंड दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि बॉन्ड एटम यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, संकरण संख्या पूछी गई है, एन दिया गया है, एन ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एच, इनमें से कार्बन का बताना है संकरण कि कार्बन में कौन संकरण पाए जाएंगे, आपको इसका आंसर करना है पांच नंबर प्रश्न का। देखिए इसमें जो है इसमें पाए जाएंगे, देखिए पहले कार्बन में पाए जाएंगे sp संकरण और जो दूसरा कार्बन है इसमें पाया जाएगा sp2 संकरण, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छः नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। छः नंबर प्रश्न पूछा गया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया गया है। और देखिए पाई बॉन्ड बहुत पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल पाई बॉन्ड, और इनका जो है क्वथनांक भी पूछा जाता रहता है कि आपको दे दिया जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन का क्वथनांक क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं मित्र, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप लोग ढंग से करिए और थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी। मेरा मतलब ये है कि जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों उनके एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए इसलिए हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ करवा दे रहे हैं, ये आप लोग करते रहेंगे, उसके बाद में जब थ्योरी की क्लास होगी तब फिर आपको MCQ टाइप तब भी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन अभी आप प्रश्नों की जो प्रकृति है उससे अवगत हो जाइए। मेरा मतलब यही है कि आप लोग प्रश्नों की आवृत्ति से क्या हो जाएं, अवगत हो जाएं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए आज या कल ये मानकर चलिए कि DDU का अभी जल्दी में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है BSc फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का, और उसको हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए क्लास
आप लोग रेगुलर करिएगा और सभी लोग क्लास में उपस्थित रहेंगे और सबके कमेंट में देखूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे ये होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। और जब आप बराबर यही चीज़ करते रहेंगे तो आपको जो आपका आंसर है, जब आप पेपर में आंसर गलत करके आ जाते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जब आप MCQ सॉल्व किए रहते हैं, तब आपको क्या होता है, ये दिक्कतें नहीं होती, यानी आंसर गलत करने का कम चांस होता है वहाँ पर। इसलिए आप लोग जो है क्लास रेगुलर किया करिए और प्रैक्टिस सेट डेली करिए। इसका जो है PDF मैं डेली क्लास के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद क्लास के बाद आप उस चीज़ को सॉल्व करते रहें। चलिए 6 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन CH2CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH में पूछा गया है पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड निकालने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे 6 नंबर प्रश्न, जिनको भी आता है वो निकाल के बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का, ये आप 12th में पढ़े हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, 4 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे किसमें, CH2CH, CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH में कितने पाई बॉन्ड, यानी 4 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 7 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेफ्थालेन, नेफ्थालेन में पूछा गया है पाई बॉन्ड की संख्या, यानी कि पाई बॉन्ड की संख्या नेफ्थालेन में कितनी होती है आपको बताना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 7 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेफ्थालेन में जो पाई बॉन्ड होते हैं कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, 10 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हुआ करे। चलिए 8 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इज एथेन गिव एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज, आपको बताना है सहसंयोजक बंध। देखिए जो होमोलिटिक फ्यूजन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सहसंयोजक तोड़ने की प्रकृति। क्या होती है सहसंयोजक तोड़ने वाली प्रक्रिया, किसमें होती है, होमोलिटिक फ्यूजन में। इसको हेट्रोलिसिस भी कहा जाता है, इसको हेट्रोलिसिस भी कहा जाता है। और इसको आप ध्यान रखेंगे कि आपको सिंपल वर्ड में कहना क्या है कि ये क्या है, सहसंयोजक बंध को तोड़ने की प्रक्रिया है होमोलिटिक फ्यूजन। आपको बताना है इथेन, इथेन के बारे में, C2H6 होता है इथेन का फार्मूला, और इनमें आपको बताना है कार्बन में कितने सी सिंगल बॉन्ड सी में संकरण की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। इथेन का फार्मूला बता दिए हम, क्या होगा C2H6, और इसमें आपको बताना है प्रत्येक कार्बन की संकरण संख्या क्या होगी। चलिए 8 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी सिंगल बॉन्ड सी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाएंगे, यानी कि sp2 संकरण पाया जाएगा किसमें, एथेन के प्रत्येक कार्बन में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इज, डाइक्लोरोमेथेन का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि डाइक्लोरोमेथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला समझ लेते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है CH2Cl2। आप लोग एक रफ और एक पेन ले लिया करिए, जब भी क्लास आप करिए कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, क्या है, डाइक्लोरोमेथेन है, और डाइक्लोरोमेथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH2Cl2। इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न, देखिए डाइक्लोरोमेथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है, टेट्रा
हेड्रल होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, CH2Cl2। ये इतना चीज़ें याद रखेंगे किससे, डाइक्लोरो मेथेन से। यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन वन ब्यूटेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे वन ब्यूटेन में। थोड़ा सा ब्यूटेन के बारे में जान लेते हैं, किसके ब्यूटेन के बारे में। तो ब्यूटेन जो है वो क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि ब्यूटेन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C6H8 इसका फार्मूला होता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका IPSC नाम है और यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्वथनांक की बात करते हैं कि ब्यूटेन का क्वथनांक, देखिए क्वथनांक और घनत्व पूछा जाता रहता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि ब्यूटेन का घनत्व कितना होगा, तो आप लोग क्वथनांक और घनत्व याद रखेंगे। तो ब्यूटेन का क्वथनांक जो होता है 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो घनत्व होगा, इसका घनत्व क्या होगा, 620 केजी मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 620 केजी मोल स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका घनत्व जो है 620 केजी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका घनत्व। और इसका वर्गीकरण जो है, देखिए ब्यूटेन का वर्गीकरण एल्कीन और कार्बनिक यौगिक में किया गया है, एल्कीन और कार्बनिक यौगिक में किया गया है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें ब्यूटेन में जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। 10 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 पाया जाएगा। वन ब्यूटेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान देते हैं, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइसोपेंटेन क्या होता है, आइसोपेंटेन को क्या कहते हैं, मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं। किसका नाम है, आइसोपेंटेन का नाम मिथाइल ब्यूटेन है। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C5H12। आइसोपेंटेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C5H12 इसका फार्मूला होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है, आइसोपेंटेन का क्वथनांक कितना होता है, 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है याद रखेंगे आप लोग। चलिए आप बताएंगे आप लोग कि इनमें से आइसोपेंटेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है 11 नंबर प्रश्न में। तो इसमें गलत यही है, देखिए इट हैज CH3 ग्रुप, सही है, इट हैज वन CH ग्रुप, ये भी सही है, इट हैज वन CH2 ग्रुप, ये भी सही है, और यही ऑप्शन गलत है 4 नंबर, इट हैज ए कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड हाइड्रोजन। देखिए इन्होंने ये कह रहा है कि इट हैज कार्बन, इसके पास जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यही इसका गलत है। देखिए कार्बन तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 में कार्बन में संकरण संख्या बतानी है कि 1, 3 और 5 की संख्या जो कार्बन होता है अगर 1, 3 और 5 जगहों पर लोकेटेड है तो उस जगह पर उस सीक्वेंस में सीरीज के अनुसार उसकी संकरण संख्या क्या होगी। 12 नंबर प्रश्न, इसकी संकरण संख्या आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, एक कार्बन sp, तीन कार्बन पर sp3 और पांच कार्बन पर sp2। यानी अगर सीक्वेंस यानी सीरीज के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार अगर ये लोकेटेड हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर ध्यान देंगे। 13 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में प्रत्येक कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन की संख्या कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की संख्या कितनी होगी साइक्लोहेक्सेन में। तो थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन के बारे में जान लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला होता है C6H10। जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H10 होता है। ये एक तेज गंधहीन तरल पदार्थ है, एक तेज गंधहीन तरल पदार्थ है, ठीक है। इसका क्वथनांक, साइक्लोहेक्सेन का क्वथनांक कितना होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे कि साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन आइटम के पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो उनकी संख्या कितनी होगी। 13 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 संकरण जो है उनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन 3-hexane-1-ane। 3-hexane-1-ane में पाई बॉन्ड की संख्या आप लोग को बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 पाई यानी 3-hexane-1-ane में संकरण की संख्या कितनी होगी, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, पाई बॉन्ड की संख्या होगी 3 होगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 15 नंबर पर पूछा गया है, द एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। पूछा गया है कि sp2 संकरण का एग्जाम्पल इनमें से कौन है। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स चेक कर रहे हैं। आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स करके बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CH3+ जो है sp2 संकरण का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 16 नंबर पूछा गया है, एसीटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन, यानी कि एसीटिलीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या कंटेन करता है, 5 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड या 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड और या 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड आपको बताना है। साइक्लोहेक्सेन एसीटिलीन के बारे में आपको बताना है कि एसीटिलीन क्या कंटेन करता है। तो एसीटिलीन का फार्मूला थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। एसीटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। ये एक रासायनिक यौगिक है। ये क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। इसका IUPAC नाम जो होता है, IUPAC नाम इसका होता है ईथेन। क्या होता है, ईथेन होता है, इतना नोट कर लीजिएगा आप। और इसका क्वथनांक जो होगा, इसका क्वथनांक जो होगा वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि एसीटिलीन क्या है, एक रासायनिक यौगिक है जिसका IUPAC नाम क्या है, ईथेन है, और उसका क्वथनांक क्या है, 84 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना चीज़ नोट हो गया एसीटिलीन के बारे में। चलिए अब आंसर देंगे आप लोग 16 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड आर कंटेन एसीटिलीन मॉलिक्यूल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। पूछा गया है 1,3-butadiene हैस, यानी 1,3-butadiene के पास क्या होता है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, sp एंड sp2 संकरण सी यानी कार्बन आइटम में, यानी कि 1,3-butadiene में कार्बन आइटम में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं, कि केवल sp2 संकरण पाया जाता है कार्बन आइटम में, कि केवल संकरण पाया जाता है, या
कार्बन में तीनों संकरण पाए जाते हैं, sp2 sp और sp3। आपको बताना है कि 1,3-ब्यूटाडाइन के पास क्या पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली sp2 संकरण। इनके प्रत्येक कार्बन में sp2 संकरण पाया जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, sp2। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न क्या है ध्यान देंगे। 18 नंबर पर पूछा गया, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन वन ब्यूटे थ्री इन रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं वन ब्यूटेन थ्री इन में, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न का ध्यान देंगे और आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड जो है वो पाए जाएंगे किसमें, वन ब्यूटेन थ्री इन में जो है क्या पाए जाएंगे, 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया विच इज एन एसिडिक हाइड्रोकार्बन, एसिडिक हाइड्रोकार्बन पूछा गया है 19 नंबर प्रश्न। एसिडिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इनमें आपको चेक करके बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में एसिडिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। 19 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, पूछा गया टायलुइन है, टायलुइन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो टायलुइन का थोड़ा टायलुइन के बारे में जान लेते हैं। टायलुइन क्या है, टायलुइन का जो फार्मूला होता है वो होता है C7H8। टायलुइन का फार्मूला होता है, इसकी जो संरचना होती है टायलुइन की, बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर CH3। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे टायलुइन का फार्मूला। चलिए आंसर बताएंगे, टायलुइन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट इन टायलुइन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, यानी इनमें से कौन सा संकरण ट्राइगोनल संकरण कहलाता है। आपको बताना है कि ट्राइगोनल संकरण कौन है। 21 नंबर प्रश्न, देखिए sp2 को ट्राइगोनल संकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 22 नंबर प्रश्न है द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन 1,2-ब्यूटाडाइन, 1,2-ब्यूटाडाइन में संकरण संख्या क्या होगी। 22 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी sp2 और sp3, ये तीनों संकरण पाए जाएंगे किसमें, 1,2-ब्यूटाडाइन में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इन इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। 23 नंबर प्रश्न, यानी कहां पर उपस्थित होते हैं 23 नंबर प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1,3-ब्यूटाडाइन में कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यानी कि CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होगा। CH4 में बॉन्ड एंगल आपको बताना है, और ये मैं अगली क्लास में बता चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग करेंगे खुद करके। आप लोग इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, सबका आंसर आना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे प्रश्न पढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन C सिंगल बॉन्ड C द बॉन्ड ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें आपको बताना है सी सिंगल बॉन्ड सी में कार्बन की संकरण संख्या क्या होगी, कार्बन की संकरण संख्या क्या होगी आपको बताना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अभी DDU का पेपर हुआ है, 7 प्रश्न संकरण से पूछे गए हैं,
सात प्रश्न जो है संकरण से पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग संकरण को बहुत आराम से पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां पर कौन से संकरण पाए जाएंगे, इन सब चीज़ों को आप बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न बताएंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी में संकरण संख्या। 25 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पाया जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी में इस स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या पाया जाएगा, sp और sp2 संकरण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर पर ध्यान देंगे, इन द ग्रेफाइट कार्बन एटम इन स्टेट, यानी ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन एटम में संकरण संख्या क्या होगी। देखिए संकरण संख्या आपको बतानी है ग्रेफाइट में, 26 नंबर प्रश्न, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी sp2 संकरण कहाँ पाया जाएगा, ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन एटम में sp2 संकरण पाया जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाउ आर पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नेफ्थालेन मॉलिक्यूल, यानी कि नेफ्थालेन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड नेफ्थालेन मॉलिक्यूल में किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं आप लोग को बताना है, 27 नंबर प्रश्न। चलिए सभी लोग 27 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जितने लोग भी जुड़ गए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग का आंसर आना चाहिए, केवल तनु जी का आंसर आ रहा है, महेश जी का आ रहा है, और साथ ही साथ सभी लोग आंसर दिया करिए और क्वेश्चन डाल करके आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए आंसर बताएंगे 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पांच मॉलिक्यूल कहाँ पाए जाएंगे, नेफ्थालेन में पाए जाएंगे। पाई मॉलिक्यूल यानी पाई बॉन्ड जो है वो नेफ्थालेन मॉलिक्यूल में कितने पाए जाएंगे, पांच पाए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड, यानी कि डायमंड में कार्बन का संकरण संख्या क्या होगा, डायमंड में कार्बन की संकरण संख्या बतानी है कि डायमंड स्ट्रक्चर में कार्बन प्रत्येक कार्बन की संकरण संख्या क्या होगी। 28 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 28 नंबर प्रश्न इसका आंसर करेंगे आप लोग। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा कहाँ पर, डायमंड स्ट्रक्चर यानी प्रत्येक कार्बन आइटम में। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, यानी कि हाइड्रोजन बॉक्स मैक्सिमम किस में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, 29 नंबर प्रश्न। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो C2H5OH में अधिक होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे, पूछा गया है C ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड इन, ये बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये बॉन्ड 30 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये बॉन्ड जो है वो एथीन में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, एथीन में पाया जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ये कहाँ पाया जाएगा, एथीन में पाया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गैमेक्सीन, क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गैमेक्सीन गैमेक्सीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है आपको बताना है। 31 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए गैमेक्सीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6Cl6 गैमेक्सीन का फार्मूला होता है, और ये क्या है, इसका अन्य नाम भी है, इसका नाम एक है BHC और एक अन्य नाम भी है जिसे हम लिंडेन के नाम से जानते हैं, किसे, लिंडेन के नाम से गैमेक्सीन को भी जाना जाता है और BHC के नाम से भी गैमेक्सीन को जाना जाता है। गैमेक्सीन क्या है, गैमेक्सीन एक कीटनाशक केमिकल है, क्या है, कीटनाशक केमिकल है, इसलिए आप गैमेक्सीन को थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए गैमेक्सीन का फार्मूला आप लोग बताएंगे क्या है, गैमेक्सीन का फार्मूला क्या होगा, C6H6Cl6,
अब आपको आपको बताना है इनमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी पाई जाएगी, डबल बॉन्ड की संख्या आप लोग को बताना है C6H6Cl6 में। चलिए 31 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड की संख्या नहीं पाई जाती है। C6H6Cl6 में डबल बॉन्ड की संख्या नहीं पाई जाती है, जैसे कि बेंजीन में अगर आप Cl के 6 अणु को जो मतलब ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गमकसीन हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया एमसीक्यू मोड में, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग रेगुलर क्लास करिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास रेगुलर करिए। अगर आप क्लास डेली करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी। और एक बार ये नहीं कि आप इस वीडियो को एक बार वॉच करते हैं दोबारा फिर नहीं क्लास करना, आपको जब भी आप पढ़िए, जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठते हैं, देखिए चाहे वो नए सिलेबस से हों चाहे वो पुराने सिलेबस से हों, सारी चीज़ें वहीं पर हैं, बस केवल क्या है चैप्टर के नाम चेंज कर दिए गए हैं, टॉपिक्स जो है वो वही हैं जो पहले थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें क्या किया गया, तीनों को सम्मेलन यानी तीनों को समवाहित कर दिया गया है, एक में बना दिया गया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों को रख दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है और आप लोग को क्लास रेगुलर करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यानी कि अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट आखिर में है क्या, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।